खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। चतरा द्वारी निवासी सौकत नामक व्यक्ति ने अपने आप को सेना का जवान बताकर चार महिलाओं को प्रेम के झांसे में फंसाकर किया चौथी शादी। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी में एक व्यक्ति द्वारा चार अलग अलग महिलाओं को प्रेम के झांसे में फंसाकर शादी रचाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बड़का गांव केरेडारी की महिला, जो भुरकुंडा रानी नर्सिंग होम में नर्स के रूप में कार्यरत है, जिन्होंने आज भुरकुंडा ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि चतरा द्वारी के शौकत नामक व्यक्ति ने अपने आप को सेना का जवान बताकर अपने शादी को छुपाकर दोबारा शादी कर मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर मोटी रकम ले ली है। जानकारी के अनुसार शौकत अंसारी पिता सहमत मियां नामक व्यक्ति ने चार अलग अलग महिलाओं को प्रेम के झांसे में फंसाकर चौथी शादी की है, जो आज सुबह से ही क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताते चले कि शौकत अंसारी द्वारी बलबल जिला चतरा के रहने वाले हैं, जिन्होंने रानी नर्सिंग होम में कार्यरत महिला से फर्जी तरीके से शादी की है। इससे पहले राखी नाम की महिला से शादी कर उनके नाम कन्वर्ट कर सबनम के रूप में बदल दिया, जो पथलगड्ढा चतरा की निवासी है और तीन बच्चे भी है। इससे पूर्व में भी शौकत नामक व्यक्ति ने दो महिलाओं को प्रेम के झांसे में फंसा कर शादी रचा चुका है, जो हजारीबाग बिलावल एक चतरा की है और चौथी शादी केरेडारी निवासी, जो भुरकुंडा रानी नर्सिंग होम में कार्यरत है, उनके साथ भी भारतीय सेना का जवान बताकर शादी रचा ले। हैरानी की बात यह है कि शादी का लत लगे इस साइको को दो तीन दिन बाद फिर एक भदानी नगर क्षेत्र की महिला से शादी रचाने जा रहा था, जिसे लेकर भदानी नगर की महिला और उनके परिवार वालों से लगातार जल्द शादी कराने का दबाव बना रहा था। दहेज के नाम पर लड़की के घर वालों से मोटी रकम भी ले चुका है। आज भुरकुंडा थाना में गिरफ्तारी का खबर सुनते ही सभी पीड़ित थाने पहुंचे। इस घटनाक्रम के बाद चार महिलाएं और एक दर्जन के आसपास बच्चे का जीवन बर्बाद होता दिख रहा है। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। और मामला ये है कि कई दिन पहले से मेरी बहन ने बताते आ रही थी कि हमारे साथ बराबर दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत बार इनको बैठ के समझाने की कोशिश भी किया, लेकिन ना मानते हुए अचानक ये हुआ कि शाम में ये भुरकुंडा पहुंचे। भुरकुंडा पहुंचने के बाद 1 बजे से ये प्रताड़ित करना शुरू किया कि ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, प्रताड़ित करना शुरू किया। मेरी बहन ने तुरंत हमको कॉल की 1 बजे रात किसी दूसरे के नंबर से, तो हम देखे कि किसी के दूसरे का नंबर है। फिर तुरंत हम लोग वहाँ देखते तो फोन गया, उस लड़की ने बताई कि भैया यहाँ मारपीट कर रहे हैं, सो आप लोग जल्दी आइए। फिर हम लोग तुरंत अपने दोस्तों के साथ रानी नर्सिंग होम पहुँचे। पहुँचने के बाद देखे कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं, फिर हम लोग ने उसको रोक करके थाना प्रशासन को फोन कर खबर करने के बाद हम लोग थाना के सामने सुपुर्द किए और हम लोग इसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार अभी तक कुछ भी हम लोग नहीं किए हैं। बस सीधा हम लोग ला करके थाना में इनको सुपुर्द कर दिए हैं। प्रिया निगार है, ठीक है, मैं बड़का गांव के रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ने धोखा देकर के हमको शादी किया। इससे पहले भी इसका दो तीन बीवी थी, उसके बावजूद भी हमको दहेज प्रथा की मांग किया है, डिमांड किया, मारपीट करता है, हमको अच्छे से नहीं रखता है, धमकी देता है, तुमको जला देंगे माचिस पैर हाथ बांध करके और ऐसा पेट्रोल छीट करके माचिस मार देंगे, इन्होंने ये कहा। रात में भी हमको मारे हैं। थाना आने का कारण क्या है? थाना आने का कारण है क्योंकि रात में इन्होंने हमको मारा है और दहेज के बारे में बोलते हैं। मेरा फैमिली वाला सबको गाली बकते हैं, मेरा माँ बाप को सबको, सबसे हमको दूर भी किए हैं और कहते हैं तुम क्या उखाड़ लेगी हमको, हम देखना चाहते, थाना पुलिस करेगी क्या करेगी। कब पता चला कि इनका पहले भी दो तीन शादी हुआ है, और भी शादी हुआ है? 1 महीना पहले हमको पता चला क्योंकि हमने इसका मतलब इनका फोन है सो हैक कर लिया था, तो इसका बायोडाटा हमने सब कुछ देखा, फोटो रिकॉर्डिंग सब चीज। लास्ट में हमने इसके इनकी जो वाइफ है तीसरा नंबर वाली, हमने उसको कॉल किया झूठ बोल करके, उन्होंने सारा सच्चाई उगल दिया मेरे सामने, वही मेरा ठोस सबूत बना। आपकी नजर से कितना शादियां आपके पति ने किया है? चौथा हम है, पांचवा, छठा, सातवा, तीन ठो और मतलब लाइन में लिए हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका पति का? मेरा हस्बैंड का नाम है शौकत अंसारी, सोनू सोनू करके बुलाया जाता है, लेकिन नाम है उसका शौकत अंसारी। क्या बोलकर शादी किया था? हमको बोल दिया था कि हम आर्मी में हैं, मिलिट्री मैन है,
हम नहीं करना चाहते थे, फैमिली वाला की फैमिली वाला सामने लाओ, इन्होंने कहा दिया कि नहीं अगर नहीं करेगी तो हम आर्मी वाला है, तुम्हारा घर हम आके देख लिए है, तुम्हारा घर में उड़ा देंगे, माचिस लगा देंगे, ये सब बात इन्होंने कहा। लास्ट में हम ऐसे मजबूर हो गए। लड़का कहाँ का है? लड़का पहले बताता था कि नहीं हम हजारीबाग मंडे का है, लेकिन इसका आधार कार्ड के अनुसार हमको पता चला है कि इसका घर द्वारी बलबल है, गिधौर थाना पड़ता है, चतरा जिला पड़ता है। क्योंकि इन्होंने हमसे छल करने लगा था और बीजी बहुत ज्यादा पाते थे हम इसको, तो हमने चोरी करके एक नंबर निकाला था जिसमें उस नंबर में लिखा हुआ था राखी, तो हमने सोचा आखिर ये राखी है कौन, हमको जानना बहुत जरूरी है, तो वो नंबर हमने रख लिया था। एक बार हम मेरे साथ झगड़ा हो गया था इनके साई में, हम ड्यूटी करते थे, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि हमने अपने आप को मतलब जान दे देंगे और फोन ऑफ कर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था, तो हम किसी लड़के का नाम, वहाँ एक भैया रहते थे चश्मा दुकान वाले, तो हमने उसको बोला मेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, थोड़ा सा बात किए तो फोन लगाए दे, राखी जी उठाई थी फोन, उन्होंने कहा बोला कि कौन बोल रहे थे, गुलजार, उन्होंने कहा हमको शौकत से बात करना है, तो बोली फोन सही जगह पे लगा लेकिन अभी वो नहीं है, तो हमने कहा कि उससे पूछो कि आप कौन बोल रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया कि हम उनकी वाइफ बोल रहे हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।